ओम शांति। 28 सितंबर 2020, बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगाकर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम अग्नि लगी हुई है, हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफिकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, हम टाइट अथवा स्ट्रिक होकर बैठे। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है, इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं। वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ाते हैं। यहां तो बाप कहते हैं आराम से बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो, यह है ही सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है, इसमें कहां जाने की दरकार नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं माँ मेकम याद करो। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना? बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना, कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा।
हम तुमको बाप का संदेश देते हैं। मैं संदेशी हूँ, इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हों, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हों। ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं, बाहर में रहने वाले भी बहुत याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं, फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुख धाम कहते हैं, तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो, तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो, बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुक तू कर वापिस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं, हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है। यह तो पुरानी दुनिया पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं, फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, राजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठ नाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी कृष्ण को मक्खन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, तो फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते। वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। उसको कहा जाता है कलयुग अंत, सतयुग आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठिक्कर भित्तर में कण कण में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है।
अच्छा कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं, तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है, बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं, म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं, आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। सतयुग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया। फिर जब 5000 वर्ष बाद आए, तब ही आकर राजयोग सिखाई। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है, पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। सतयुग में उपद्रव की बात ही नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है। यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की बात नहीं थी, सतयुग था। अभी फिर वह स्थापन हो रहा है, बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिसका पार्ट है वही बजाएंगे। बेहद का बाप भी पार्ट बजा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जे जे कार हो जाती है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी, 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ, अपना कल्याण करने। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए, यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं, मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले बोलो, शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहां तो सब फ्री हैं। सर्विस का बहुत अच्छा चांस है,
बैज तो बहुत अच्छी चीज है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है। उनको याद करना है, याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे। समझानी तो मिलती रहती है, कोई भी धर्म वाला हो बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहां ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैज जरूर लगा रहना चाहिए। जिसको तुम इन पर समझाएंगे वह बहुत खुश होंगे। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सकी, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझते हैं शायद लज्जा आती है, तो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला और झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे यह क्या है। बोलो शिव बाबा इनके द्वारा यह नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रही। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला बैज लगा रहता है, उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं,
फिर अमल में क्यों नहीं लाते। बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर खोलो सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है, कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो, व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर समा लो, समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। एक से दो तक, दो से तीन तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.